चलिए तो हम लोग बीमारी को पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे कवक से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाले रोग। तो ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे हम लोग याद रखेंगे इसको। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, ट्रिक क्या है? गंजा दमाद खाए फ्रूट, एक कवक से होने वाली बीमारियों के ट्रिक हैं, याद रखना है हम लोगों को, गंजा दमाद खाए फ्रूट। अब देखते हैं कि इससे बीमारी कौन कौन सी है। तो गंजा से हो जाएगा गंजापन, गंजा से गंजापन, दमाद, ठीक। तो द से एक पहले वाला जो द है उससे हो जाएगा दमा, ठीक, और दूसरे वाले द से हो जाएगा दाद, दाद खाज खुजली, ठीक। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, और गंजा से हो जाएगा गंजापन, दमाद का द से हो जाएगा दमा, और दूसरे वाले द से हो जाएगा दाद, और खाए खाज, दाद खाज खुजली, ये सब कवक से होने वाली बीमारी है। और फ्रूट, एथलीट फुट, यह पैर में होता है एक बीमारी, तो इसको बोलेंगे एथलीट फ्रूट, एथलीट फुट। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, और यह बीमारी हो जाएगा गंजा से गंजापन, दमाद का द दमा, और दूसरे द से दाद, दूसरे खाए खास फ्रूट, एथलीट फुट। बीमारी देखने में थोड़ा सा गंजापन होता है टिनिया कैपेटिस नामक कवक से, किससे? टिनिया कैपेटिस। और दमा होता है एस्परजिलस फ्यूमीगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमीगेट्स नामक कवक से। दाद, दाद होता है ट्राइकोफाइटॉन लेको लेरुकोमस, ट्राइकोफाइटॉन लेरुकोमस एक कवक होता है, इससे होता है। खाद, एकेरस एस्केबिज नामक कवक से होता है। और एथलीट फुट, टिनिया पेडिस से एथलीट फुट होता है, और वह इसमें त्वचा का इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कवक से होने वाले, अभी पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले, उसके बाद पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाले, ठीक है, प्रोटोजोअन डिसीज पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे बारी बारी, ओके।